अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट ठीक ठाक होंगे। आज हम सब फ्रेंड्स जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं भाई? ननकाना साहब। आप साहब किधर जा रहे हैं? ननकाना साहब। आज हम सब लोग, ननकाना साहब हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है तुकीर रजा, उसने बुलाया कि तो हम उसके पास, जी भाई तुकीर के पास जा रहे हैं। तुकीर भाई हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं माशाल्लाह, हमारे पास कसूर में दो तीन बार आए भी हैं। तो उन्होंने ना बहुत बार बुलाया था, तो हम दो तीन बार ननकाना साहब के पास से गुजरे भी हैं, मुल्तान गए थे, लेकिन हम उधर ननकाना साहब जा नहीं सके। तो आज हमारा अचानक ही प्रोग्राम बना है, प्रोग्राम तो नहीं था, तो वसीम भाई ने बोला है कि आज हमने लाजमी जाना है, वरना मेरा तो मूड नहीं था, मैं कह रहा था कि आज सोते हैं सुबह चले गए। साहब का सोने का मूड था पर मेरा नहीं सोने का मूड था, मैंने कहा नहीं यार। लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो भाई तुकीर भाई बहुत बार ही उन्होंने बुलाया था, आज हमारा प्रोग्राम बना है कि हम मिलते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आपको दिखाते हैं ननकाना साहब का सफ़र कैसा रहता है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। एक तारा किस्मत दा डुबया किनारे ते। तो यार लाहौर देखने वाला बहुत ही खूबसूरत है, कराची वाले यहाँ आ जाए ना, बस उनको यही ख्याल रहता है कहीं आगे खड्डा ना हो, आगे खड्डा ना हो, आगे गटर ना हो। ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, 400 मीटर्स कंटिन्यू ऑन टू लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2। हमें बताने की जरूरत नहीं है, मैप खुद ही बता रहा है। वाह कमाल हो गया, गूगल वाली बाजी ने बता ही दिया, उसके गूगल वाली बाजी ने खुद ही बता दिया। अभी तकरीबन शाम हो गया, 6 बज गए हैं, तो इंशाल्लाह हम 1 घंटे तक ननकाना साहब पहुंच जाएंगे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ननकाना साहब की तरफ जाते हुए सिंह साहब नींद तो नहीं आ रही पई? अभी इतनी जल्दी नींद हो, तुझे पता मैं 10 बजे सोता हूँ। भाई नींद आएगी तो मुझे गाड़ी दे देना, ये ना हो के चुम्मी हो जावे। नहीं नहीं भाई चुम्मी नहीं होने देता। इर्तज़ा भाई हमारे एक दोस्त हैं लाहौर के, वो कहते होते हैं कि गाड़ी ध्यान से चलाना, ये ना हो के चुम्मी हो जाए। चुम्मी नहीं होने देते, कुछ और सोचेंगे। चले अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हाँ साहब नींद तो नहीं आ रही? नहीं नहीं की स्लिप ननकाना साहब, ननकाना नहीं नहीं के कहता है? ओए वो बंदे ने जाना होगा तो मुल्तान। हाँ हाँ उसने कहीं जाना होगा ना, वो कह रहा होगा चलो हमें भी साथ लेते जाओ। ये M2 मोटरवे है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। अभी रात हो गई, अंधेरा हो गया तकरीबन, जो
जो हमारे दोस्त हैं वो तकरीबन हमारा 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। हमने बोला था कि 3 बजे हम निकलेंगे और 5 बजे उनके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुल्तान भी यही मोटरवे जाती है और अब्दुल हकीम ननकाना साहब, जब से ये मोटरवे बनी है तो काफ़ी जो सफ़र है ना वो काफ़ी आसान हो गया। अगर आपने दिन जाना हो रात जाना हो, हम तो ज़्यादा सफ़र जो है ना वो रात को ही करते हैं, दिन में कम ही करते हैं। तो मोटरवे की वजह से सफ़र काफ़ी आसान हो गया और काफ़ी सेफ भी हो गया। अगर आप स्पीड लिमिट में रहते हैं तो जो एक्सीडेंट होने के हादसा होने के चांस वो 0% है तकरीबन, बाकी अल्लाह ना करे फिर भी हो जाते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब से मोटरवे बनी है ना तो सफ़र काफ़ी आसान हो गया है। अब भी आपने कराची भी जाना हो तो आप आराम से नाइट में जा सकते हैं। क्यों सेम साहब एवं गल है जी जी। अभी हम जितनी बार भी इस्लामाबाद गए हैं, उस दिन पेशावर भी गए हैं कुछ दिन पहले, तो हमने नाइट का ही सफ़र किया है, बहुत मज़ा आता है। भाई नाइट के सफ़र में ये होता है कि इतना रश नहीं होता और आपको एक सुकून होता है कि अक्सर हम फ्रीलांसर वगैरह या आप जो भी काम करते हो, ये है कि मैं तो 10 बजे सो जाता हूँ, इनका ये डेली की रूटीन होती है भाई, इन्होंने सोना होता है 3 बजे सुबह के, 3 बजे 4 बजे। तो ये है कि मैं ड्राइव करूँगा 9-10 बजे तक, उसके बाद ये सुबह 4-5 बजे तक उतनी देर बंदे की नींद पूरी हो जाती है, दूसरा जो भी आपके साथ ड्राइवर। और मज़े की बात ये है कि हम जितने भी दोस्त जाते हैं ना, सॉरी फ्रेंड्स, सब ड्राइवर ही है, ठीक है। तो मोस्टली 2 लोग ही ड्राइव कर रहे होते हैं, तो जब दोनों को नींद आ जाए फिर हमारे पास और भी ऑप्शन ऑप्शन अवेलेबल होती है, हम ऑप्शन साथ में रखते हैं। अगर 2 बंदों को नींद आ जाए तीसरा बंदा लगा देते हैं, 3 को नींद आ जाए चौथा लगा देते हैं। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जितने भी बंदे सारी टीम है ना, तो सारे ड्राइवर ही हैं। वसीम भाई नींद आ रही है, ये आपकी स्पीड देखो 140 पे जा रही है। नींद में जाती है क्या 140? तो नींद में जाती है ना, नींद आ रही है वो देखो आंखों में। वैसे तो 120 है, आप रूल नहीं फॉलो करते भाई, जब मोटरवे पे जा रहे हो तो स्पीड लिमिट फॉलो करें ना। जब भूख लगी हो ना तो फिर बंदा स्पीड में चला लेता है। भूख लगी है, भूख लगी भाई, उसे जाके पानी शानी पियो, रोटी शोटी खाओ, स्पीड लिमिट फॉलो करा करो। अभी हम मोटरवे का छोड़ रहे हैं, अभी मोटरवे से तकरीबन 10 किलोमीटर है। Continue for 1 kilometer. Zoom कर ले करो ना। अभी जो हमारा दोस्त है तुकीर भाई, वो कह रहे थे कि हम उधर ही आ जाते हैं, मतलब टूल प्लाजा के पास। अभी देखते हैं वो आए या नहीं आए, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। उम्मीद है कि वो आए खड़े होंगे इधर, देखते हैं क्या होता है। भाई जान टोल प्लाजा की रकम अदा कीजिए। ये लो कितने पैसे? पैसे सड़क हो उस तरह कितने पैसे हो गया भाई? 80 रुपए, सस्ता ही काम है। इस्लामाबाद जान लगे 750, पर सफ़र थोड़ा है ना भाई, हमने सिर्फ 1 घंटे का सफ़र किया 80। हाँ। तो उधर 4 घंटे का करेंगे तो आप 80 रुपए हो गए, कितने दिन पड़ेंगे। चलें भाई किधर है तो
फकीर भाई को कॉल करते हैं। मेरा मोबाइल किधर है, ये पड़ा। अभी हमने 250 मीटर से इधर टर्न हो जाना, वो आगे लिखा हुआ। वो कह रहा है कि आपने इधर को जाना है। किधर को? वो ननकाना साहब सो रहा है दस, लेकिन इधर और कह रहा है इधर। अस्सलामु अलैकुम भैया, आपका नाम क्या है? लतीफ। लतीफ ये लतीफ भाई हैं, ये वसीम भाई है, और ये तकीर भाई है, जिनको आज तकरीबन 2 साल हो गए हम मिलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं मिल सके। हाँ हम 2-3 बार इधर से गुजरे भी हैं, लेकिन आपको कॉल भी उस टाइम लगी थी। हाँ जी चले। और वो एक भाई शाहजान भाई हैं, ये भी ननकाना साहब से हैं, और ये आप साहब तो हमारे पास आए। अभी ये दोस्तों ने माशाल्लाह, ये इनकी मोहब्बत है। खाना शाना खाते हैं फिर मिलते हैं, वेले पांडे हमारे तो।